नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो चंडीगढ़ से आ रही है। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार पर वादा खिलाफी और तानाशाही का आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सुबह 10 से 12 बजे तक चंडीगढ़ डिपो में प्रदर्शन उनकी ओर से किया जाएगा। तो सुबह 10 से 12 बजे तक चंडीगढ़ डिपो में उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार पर वादा खिलाफी और तानाशाही का आरोप प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चंडीगढ़ में यह प्रदर्शन किया जाएगा और हरियाणा रोडवेज वर्कर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी का यह प्रदर्शन होगा। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की ओर से जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है उसकी ओर से यह प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया है, तानाशाही का आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया है। साथ ही चंडीगढ़ में रोडवेज डिपो में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर यह विरोध होगा। साथ ही आपको बता दें कि सरकार पर तानाशाही का आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है, साथ ही वादा खिलाफी का आरोप भी सरकार पर लगाया जा रहा है और सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चंडीगढ़ डिपो में प्रदर्शन होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता कुमार रमेश फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, जो रोडवेज कर्मचारियों का ये प्रदर्शन है उसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी कुमार रमेश, जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? तो लगता है यहां पर संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चंडीगढ़ डिपो में उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार पर तानाशाही और वादा खिलाफी का आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है। लगातार प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। इसी बीच हरियाणा रोडवेज कर्मचारी के प्रधान सतीश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू मैडम। तो आपकी ओर से ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार, क्या कुछ मांगों को लेकर सरकार पर भी आरोप लगाए गए आपकी ओर से, तानाशाही के, वादा खिलाफी के, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हाँ जी, हमारी पीछे ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी और मंत्री महोदय जी ने और सरकार ने हमारे को 45 दिन का टाइम दिया था कि रोडवेज की जितनी भी तमाम मांगे हम उनको पूर्ण कर देंगे, लेकिन सरकार किसी की मांग पर खरे नहीं उतरी, इसलिए हमने दोबारा से मतलब ये आज 2 घंटे अविरत प्रदर्शन करना मतलब शुरू किया है, ताकि मतलब हमारी मांगों पर सरकार मतलब दोबारा से विचार करे, ताकि कर्मचारियों के साथ हो रहे विश्वासघात दूर हो सके। और कर्मचारियों में इतना रोष है कि एक नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी और बना दी है, जिससे ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का विरोध करे कर्मचारी, और हमारे रोडवेज के बेड़े में नई बसें भी लाने के लिए मतलब सरकार ने वादा किया था और प्राइवेट प्रमोटर को रद्द करने के लिए भी वादा किया था, लेकिन सरकार जी किसी भी अपनी उस पे मतलब खरी नहीं उतरी, इसलिए कर्मचारी मजबूर होकर दोबारा हमारी आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का हर डिपो मतलब जी प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हर कर्मचारी भाग ले रहा है। तो जिस तरीके से आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वादा खिलाफी भी आपके साथ की गई, अब आगे क्या कुछ रणनीति रोडवेज कर्मचारियों की ओर से अपनाई जाएगी? आज 2 घंटे का प्रदर्शन के बाद दोबारा से मतलब एक मीटिंग की जाएगी और मीटिंग में जी एक मतलब फैसला आगे के लिए जो भी मतलब ज्वाइंट एक्शन कमेटी फैसला करेगी उसके लिए मतलब आगे की कार्रवाई मतलब फिर आपको मतलब जी। खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, तो सुबह 10 से 12 बजे तक चंडीगढ़ डिपो में उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद एक मीटिंग उनकी ओर से की जाएगी जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि अगर अब भी सरकार ने उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया और वादा खिलाफी उनकी ओर उनके साथ की, क्योंकि उनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने कहीं ना कहीं आश्वासन उन्हें दिया जिसके बाद अब वादा खिलाफी सरकार की ओर से की जा रही है।